वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल और आज पूरे देश की 543 सीटों का सर्वे आपके सामने हम रख रहे हैं। आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो क्या नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य अपनी पार्टी को दिया है 370 सीटें अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी, वो पहुंच पाएगी क्या बीजेपी, और क्या एनडीए 400 के पार जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली 52-54 उससे ऊपर कांग्रेस जा रही है, या ममता बनर्जी ने जो कहा था कि क्या कांग्रेस इस बार 40 के आसपास ही रह जाएगी, 40 सीटें ही पाएगी? अभी तो पूरी तस्वीर खुली हुई है हमारे सामने, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर अभी बात करना बाकी है। 343 सीटों का सर्वे, 333 सीटों का सर्वे, 543 में से आप अभी तक देख चुके हैं। 210 पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 77 पर इंडिया गठबंधन और 46 सीटें अन्य दलों को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब एक और ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास बेहतर करने की बहुत गुंजाइश भी है और चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये राज्य है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, जहां भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें पिछली बार 42 सीटों में से मिली थी। इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? मेरे साथ मीनाक्षी और प्रिया है, आपके सामने बंगाल का सर्वे खुल रहा है अब, और नंबर पर गौर कीजिएगा बस आप, ऊपर 42 सीटों का सर्वे, और बीजेपी किस सीट जीत सकती है इस बार, पिछली बार से दो ज्यादा। तृणमूल कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले एक सीट डाउन हो सकती है, किस सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो, और कांग्रेस पार्टी एक सीट खो सकती है, 2019 में उसको बंगाल में दो सीटें मिली थी, वो घटकर एक पर आ सकती है संख्या। अब जहां पर सौरभ खड़े हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं चार सीटों की अगर हम बात कर ले, जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और हावड़ा, ये चार सीटें वो हैं जहां पर आप टीएमसी को जीतते हुए देख रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जाधवपुर, जहां से मिमी चक्रवर्ती चुनाव जीती थी, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, अब ये सीट लेकिन फिर भी तृणमूल के खाते में जाती दिखाई दे रही है। कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर की भी बात कर ले, सुदीप बंदोपाध्याय जो है यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक बहुत सारा इसके पीछे घोष साहब ने जो लिखा था कि सुदीप बंदोपाध्याय पर ही उन्होंने आरोप भी लगाए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा मुश्किल में जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी टीएमसी एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है। हावड़ा की बात करें, हावड़ा से प्रफून बैनर्जी सांसद हैं और 3 लोकसभा चुनाव वो जीत चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में है, इसका असर टीएमसी के लिए फेवरेबल इसे बनाता है। और अगली 5 सीटों पर आप देखिए, बल्कि 6 सीटें एक के बाद एक सब बीजेपी के खाते में जाती भी दिखाई दे रही हैं। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट, इन सारी सीटों पर बीजेपी जो है वो अपना भगवा रंग जो है फहरा सकती है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। और इसमें केवल एक सीट आप हरे रंग में देख रहे होंगे, बहरामपुर की, ये वो कांग्रेस की सीट है, ये अधीर रंजन चौधरी की सीट है, और एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट निकाल सकते हैं यहाँ से, लगातार यहाँ से जीतते आए हैं वो, ये उनके दबदबे वाला, उनके निजी प्रभाव वाला ये क्षेत्र है। और कांग्रेस कृष्णानगर, मेरे ख्याल इसे भी आपको जरूर बोलना चाहिए, महुआ मोइत्रा जहाँ से सांसद थी और कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी सांसद सदस्यता चली गई है, कृष्णानगर अब बीजेपी के पास आ सकती है। ये महुआ मोइत्रा के लिए, तृणमूल कांग्रेस दोनों के लिए एक बहुत सेटबैक होगा, क्योंकि ममता बनर्जी अब खुलकर ये बैक कर चुकी हैं महुआ मोइत्रा को कि वो चुनाव में टिकट उनको जरूर देंगी, इस सीट से अगर वो उतरती भी है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। इसमें एक और मुश्किल होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जो सांसद हैं अगर वो कैश लेके कुछ करते हैं तो उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, वो वाला जो फैसला है, उसके बाद जो महुआ मोइत्रा है उसकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और उसमें अगर इंक्वायरी हुई तो इनको सच में अगर ये दोषी पाई गई तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुकाबला बराबरी का सा दिखाई दे रहा है इस बार बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। विजय जी, मुझे लगता है 3-4 दिन और इंतजार करना चाहिए, मतलब अभी जो है वो ठीक है। नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे? बीजेपी के नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि टीएमसी में अभी कुछ बहुत हलचल चल रही है जो मुझे जानकारी है, और अभी जो गांगुली साहब तो आई गए, जो हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने आज ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है शायद। लेकिन आप मानते हैं जो खबरें इस वक्त चल रही हैं या जिनको मतलब ऐसी रूमर्स हैं कि तृणमूल कांग्रेस के बीच में यंग वर्सेस ओल्ड, बुआ वर्सेस भतीजा कुछ वो चल रहा है, वो चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि 2-3 दिन और इंतजार कीजिए, टीएमसी की जो हलचल है जो वो प्रेसिपिटेशन पर आएगा तो शायद कुछ और बदलाव भी हो सकता है। मुझे बहरामपुर एक, आप कहेंगे कि बीजेपी टीएमसी के बीच में कर रहे हैं, बहरामपुर एक कन्फर्म सीट लगती है जो अधीर रंजन साहब जीत ही सकते हैं कांग्रेस की, और दूसरी सीट तो मुझे नहीं लग रहा, वो जो मालदा दक्षिण की सीट थी जिसको आप टीएमसी को दे रहे, क्योंकि वो कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, दक्षिण मालदा ढूंढे हम इसमें, वो रहा ऊपर नंबर 3rd रो में, थर्ड रो में मालदा दक्षिण, कांग्रेस ये भी कांग्रेस की सीट होती थी वो। बशीरहाट पर भी आप बोले, क्योंकि बशीरहाट वो क्षेत्र जहां संदेश खाली बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र में रहा, लेकिन बशीरहाट में, बशीरहाट में संदेश खाली के लिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो सकता है उसका, ममता बनर्जी
नैरेटिव के तौर पे, लेकिन ममता बनर्जी को कोई नुकसान बशीर इसको संदेश खाली को लेकर नहीं होगा। और इसका नतीजा आप बशीरहाट में ही देख रहे हैं, जहाँ पर वो इलाका आता है वो सीट भी उनके पास आ रही है। बल्कि यदि संदेश खाली मुस्लिम वोटर्स हैं सर यहाँ पे, तो हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संदेश खाली का ममता बनर्जी को कोई नुकसान हो रहा है वेस्ट बंगाल में ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन बीजेपी उसका कुछ फायदा उठा सकती है अपने लिए वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को पोलराइज करके। और समीर जी क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी ने इसे बिल्कुल अपना एक चुनावी मुद्दा बना लिया है बंगाल के भीतर, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाना और संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर जो तमाम मुद्दे बीजेपी ने बनाए, इसका कोई इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा आपकी नजर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव के 20-25 दिन पहले या 40 दिन पहले अगर ऐसी कोई घटना किसी राज्य में घटती है संदेश खाली जैसी घटना, तो कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में होगा उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगा। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मिलेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है, बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अंदर आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच के अंदर संगठन के लेवल पे, और कई ऐसे सांसद जो अभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, मुझे लग रहा है कि सुकंत मुजुमदार से 3 सांसदों की बातचीत लगभग हो चुकी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में 15-20 दिनों में ममता बनर्जी के 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुणाल घोष का आई रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। सुदीप बंदोपाध्याय के लिए तो उन्होंने क्लियरली बोला है, बिल्कुल एक्सपोज पर लिखते हुए उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि कैसे हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि वो हलचल अभी चल रही है, वो प्रेसिपिटेट होगी तो शायद कुछ और। लेकिन ऐसा राज्य है जहाँ अलायंस नहीं हुआ विपक्ष का, तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को एंटरटेन करे। वहां पर राहुल गांधी चाहते थे कि अलायंस हो, ममता बनर्जी की अनिच्छा है वहां पर। इसी वजह से टीएमसी के पास 21 सीटें बच गई है। मतलब ये कह रहे अलायंस हो जाता तो इतनी भी नहीं नुकसान होता टीएमसी। आपने बात पहले भी कही थी, क्यों क्यों नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस का वोट भी टीएमसी के खिलाफ वोट है, और टीएमसी यदि कांग्रेस के साथ मिल जाती है तो जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था वो उसको नुकसान पहुंचाता कांग्रेस और सीपीएम को लेफ्ट को मिलाकर। तो इसलिए टीएमसी ने मेरे हिसाब से ये सही फैसला किया कि उनको थोड़ा दूरी रखा है। भावेश अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए टीएमसी को जितना भी एंटी बीजेपी वोट मिलना था, मैं बात कर रहा हूँ माइनॉरिटी वोट की, मिलना था वो कंसोलिडेट हो चुका है।